आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कितने स्ट्रक्चर्स हैं? हमारे पास चार स्ट्रक्चर हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये एक सिंपलर फॉर्म होती है, और ये सिंपल क्यों होती है? क्योंकि इसमें लीनियर चेन है। अगर यही स्ट्रक्चर एक दूसरे पर कॉइल हो जाए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो 3D बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है, और जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वो इन सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, अटैच होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के साथ। ये एक स्ट्रेट चेन जान रही है, कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग नहीं है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अमाइनो प्रोटीन का। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है लोकलाइज्ड अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन के साथ। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिकल और दूसरी होती है प्लेटेड शीट। एक प्राइमरी लाइन जब दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती हैं, कॉइल हो जाती हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं फोल्डिंग चेन फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये फोल्डिंग होती है, फोल्ड होना, बाइंड होना, लूप होना, एक दूसरे के साथ कॉइल होना, जैसे स्प्रिंग एक दूसरे के साथ कॉइल होता है, तो ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं और 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो है 3D स्ट्रक्चर जो है इसमें कोई भी इसकी जो फाइनल शेप होती है वो ग्लोब लाइक होती है और इरेगुलर होती है, जिसकी जो तरतीब है वो प्रॉपर नहीं होती। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। आगे है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। ये एक स्ट्रक्चर जो है ये तमाम प्रोटीन में नहीं पाया जाता, ये स्पेसिफिक प्रोटीन में होता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत कॉमन नहीं होता, ये रेयर होता है, और इसमें एग्रीगेशन होती है दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो है एग्रीगेशन का मतलब गुत्थम गुत्था एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है हेमोग्लोबिन और कोलेजन। कोलेजन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, और इसमें हेलिकल सब यूनिट्स होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोप लाइक होता है। और हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये कंपोज करते हैं 4 सब यूनिट्स के, दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, दो जो हैं वो अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं। आगे हमारे पास है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है ये देखिए, हमारे पास इसके फॉलोइंग रोल हैं, जैसे रिजर्व फूड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड क्लॉटिंग, हेरिटेरी ट्रांसमिशन, क्रोमोसोम्स मूवमेंट, डिफेंस ऑफ बॉडी, एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चर फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो है वो 3 क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल प्रोटीन है, दूसरा कंपाउंड प्रोटीन है, तीसरा जो है वो डिराइव्ड प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन जो होती हैं ये कंपोज होती हैं जो है ओनली सिंगल अमाइनो एसिड्स के साथ, और इसमें इसकी सिंपल प्रोटीन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे अल्बुमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, ग्लूटुलिन्स हैं, अल्बुमिनाइड्स हैं, हिस्टोन्स हैं और प्रोटामिन्स हैं। अब हम इसको ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्बुमिन्स। अल्बुमिन्स क्या होती हैं? ये जो सीरम अल्बुमिन्स जो है वो इंसान के खून में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये हमारे जिगर में बनता है, और प्लाज्मा प्रोटीन का बेशतर हिस्सा इस पर मुश्तमिल होता है। इंसान में बनने वाले सीरम को सीरम अल्बुमिन्स कहते हैं, और अमूमन ये 50% होता है। आगे हमारे पास ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है वो फैमिली है ग्लोबुलर प्रोटीन की, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्बुमिन्स, और ये साफ पानी में सॉलिबल नहीं होते, बल्कि ये डायलूट सॉल्यूशन में सॉलिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूटुलिन्स। ग्लूटुलिन्स प्रोलामीन्स की तरह की प्रोटीन की वो किस्म है जो ग्रास की नस्ल के कुछ बीज के एंडोस्पर्म में मिलती है। ये प्रोटीन का बड़ा हिस्सा होते हैं और मिलके इनको ग्लूटुलिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स छोटे आर्गिनाइन से भरपूर मॉलिक्यूलर प्रोटीन होते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस हैप्लॉइड में हिस्टोन की जगह लेते हैं। ये नर के स्पर्म के सर को कंडेंस करते हैं, और DNA को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे हमारे पास है हिस्टोन्स। हिस्टोन जो है ये हाईली अल्कलीन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लाई में, और ये जो DNA है ये इसका स्ट्रक्चर यूनिट बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। आगे हमारे पास है कंपाउंड प्रोटीन।
जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहते हैं, और कंपाउंड प्रोटीन की भी टाइप्स हैं, जो कंपाउंड प्रोटीन एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। इसमें फॉस्फो प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन अटैच हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। एग्जाम्पल इसमें है केसिन ऑफ मिल्क, वेटलिन ऑफ एग योक। और दूसरे नंबर पे है ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास है मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो म्यूसिन है, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। तीसरा है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोटीन इन क्रोमोसोम्स एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ राइबोसोम। नंबर फोर पे है क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में प्रोटीन जो अटैच हो जाते हैं वो कलरफुल पिगमेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम। लिपोप्रोटीन है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है लिपिड्स के साथ, इसकी एग्जाम्पल है मेम्ब्रेन प्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो FAD है, और इसकी एग्जाम्पल है प्रोटीन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेटालोप्रोटीन है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाते हैं मेटल्स के साथ, और इसकी एग्जाम्पल है नाइट्रेट रिडुकेटेज। अब यहाँ लास्ट वन हमारे पास है डिराइव्ड प्रोटीन, ये है व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड, अल्कलीन्स और एंजाइम्स, द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम।